हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी शिक्षक. आई एम प्रभावी मिश्रा. हम क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे. तो हमने पिछली क्लास में फोर्स के बारे में अच्छे से समझा. अब हम फोर्सेस के टाइप्स देख लेते हैं. ठीक है, मेनली फोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं. ठीक है, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट हो या पर्सन और ऑब्जेक्ट हो, उसके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए. ठीक है, जैसे हम देख रहे थे किसी हैवी बॉक्स को पर्सन धक्का देने के लिए उस बॉक्स को टच कर रहा था, है ना. या फिर हमें कोई भी बुक उठानी है तो हमें बुक को टच करना पड़ता है. ठीक है, कांटेक्ट में जब वो होते हैं तभी जो फोर्स लगता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स. और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब इन्हें कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है लगने के लिए. जैसे मैग्नेट का हमने देखा था, मैग्नेट टच नहीं हो, वो दूर दूर भी हो, तब भी उनके बीच में वो फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल्स हैं जैसे मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर मसल, जो मसल से जो फोर्स लगे, जो ये हमारी मसल्स हैं बॉडी में, उनसे जो फोर्स लगता है. ठीक है, जैसे हम कुएं से जब पानी खींचते हैं तो मसल, जो हमारे हाथ की जो मसल्स हैं वो एक्ट करती हैं, उनकी वजह से ताकत लगती है. ठीक है, और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, ये भी हम पढ़ेंगे. तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स है. और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हम देखेंगे क्या होता है. ठीक, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, ये हमने समझा ही है. और ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ लगाती है. ठीक है, कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है. ठीक है, तो वो चीज अर्थ से टच में नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसे उस पे काम कर रहा है और वो उसे अपनी तरफ खींचेगा. इसीलिए कोई भी चीज अगर हम उसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो नीचे ही वापस आती है. ठीक है, क्योंकि अर्थ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है. कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो टच तो नहीं कर रही है अर्थ को, लेकिन फिर भी अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है. तो ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं. देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस. ठीक है, और उसमें हम पहले देखेंगे मस्कुलर फोर्स. बेटा हमने क्या समझा कि कांटेक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के कांटेक्ट में आना पड़ता है, तभी फोर्स लगता है, वरना नहीं लगता है. ठीक है, आप सोचिए क्या आप किसी भी बुक को या बकेट को या किसी भी चीज को बिना टच किए हुए उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना. तो कांटेक्ट जरूरी नहीं कि आपके हाथ का ही कांटेक्ट हो, आप किसी स्टिक का या रोप का भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपको कुएं से पानी निकालना है, ठीक है, तो आप जो बकेट है उस बकेट को आप रस्सी से बांधते हो, है ना, और फिर उस बकेट को ऊपर की तरफ ऐसे खींचते हो, तो आपका जो फोर्स लग रहा है उसका एक्शन किस पे दिख रहा है? उस बकेट पे दिख रहा है. बकेट ऊपर आ रही है ना खींच करके, तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो उस बकेट पे हो रहा है. लेकिन और है वो मस्कुलर फोर्स क्योंकि उसमें आपके मसल्स की ताकत लग रही है, लेकिन वो डायरेक्टली बकेट को तो आपने पकड़ा नहीं है, तो डायरेक्टली मतलब नहीं लग रहा है. वो उस रोप के थ्रू लग रहा है, उस रस्सी के थ्रू उस बकेट पे जाकर के फोर्स लग रहा है. ठीक है, ऐसे ही जैसे आपको कोई बॉल रखी है, उसको आपको मूव कराना हो, ठीक है, आपने अपने हैंड से उसे टच नहीं किया, आपने किसी स्टिक की सहायता से उसको ऐसे स्टिक से उसे हिट कर दिया और वो मूव करने लगी. ठीक है, तो उस बॉल पे जो फोर्स लगा है वो फोर्स तो आप ही का लगा है. ठीक है, लेकिन आपने डायरेक्टली अपना हैंड ना यूज करके उस स्टिक का यूज किया है, लेकिन ताकत किसकी लगी है? आपकी लगी है. ठीक है, तो यही आपको समझना है कि कॉन्टेक्ट फोर्स जो होता है वो जरूरी नहीं कि आपके हाथ का ही हो, आप स्टिक या रोप का भी यूज कर सकते हैं. ठीक, लेकिन फोर्स जो है वो कहाँ से आ रहा है? आपकी ही ताकत तो लग रही है उसमें, तो वो फोर्स जो है वो आप ही का है. अब जैसे किसी स्कूल बैग है, वो रखा हुआ है, उसको पुश करके देखिए, तो ताकत कहाँ से आ रही है? ताकत तो आप ही लगा रहे हो, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके एक्शन की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाते हो या पुश कर पाते हो या पुल कर पाते हो, है ना. जब आप वॉक करते हो तो आपके पैर चलते हैं, यानी पैर की मसल्स वर्क करती हैं. ठीक है, आप किसी चीज को उठाते हो तो आपके जो हैंड की मसल्स हैं वो वर्क करती हैं. ठीक है, मसल्स जो हैं उन्हीं के ही फोर्स की वजह से आप ये काम कर पा रहे हो. तो मस्कुलर फोर्स क्या हो गया? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स के एक्शन की वजह से फोर्स लगता है. ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, उसे ही हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जैसे कि पुशिंग और लिफ्टिंग अप एन ऑब्जेक्ट, वॉकिंग. और जो हमारे लंग्स होते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं ना, और जब हम एक्सहेल करते हैं, आप करके देखें,
सांस ऐसे बाहर छोड़कर देखिए, तो ये जो लंग्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये सिकुड़ जाते हैं, और जब आप सांस अंदर लेते हो तो ये जो लंग्स है ये एक्सपेंड हो जाते हैं। लंग्स का एक्सपेंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना ब्रीदिंग के टाइम, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये लंग्स में जो मसल्स हैं उनकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। हमारा चलना, बेंड होना, किसी भी चीज को लिफ्ट करना, पुश कर पाना, ये सारे ही मस्कुलर फोर्स की ही वजह से हो पाते हैं। अब जैसे आपने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, तो डाइजेशन में फूड को जो एलिमेंट्री कैनाल है वो नीचे की तरफ पुश करती है, ठीक है, पुश करती है ना, तो वो जो वो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर भी कुछ मसल्स होती हैं, तो वहां पे भी मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स का ही यूज करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। जो हमारे लिए जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बुलक कार्ट होती है तो उसे बुलक खींचते हैं ना उस कार्ट को, या जो टोंगा होता है उसे हॉर्स खींचते हैं, या जो डोंकी होते हैं बोझा ढोने के लिए, या कैमल्स, जो कैमल राइडिंग जब हम करते हैं या कैमल कार्ट को खींचते हैं, तो वो बेचारे जो एनिमल्स हैं वो इतना हैवी लोड उठा रहे हैं और कितने किलोमीटर्स तक बिना रुके चल रहे हैं, तो वो भी कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं? वो भी अपनी मसल्स का मस्कुलर फोर्स ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए वो कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना। ये देखिए, ये एक बुलक कार्ट है, इसमें ये जो ये बुलक्स हैं, ये जब मूव करते हैं तो इनके जो पैरों की जो मसल्स हैं वो वर्क करती हैं। इतना सारा ये जो बोझा इन्होंने ढो रखा है अपने ऊपर, तो उसको होल्ड करने के लिए भी इनकी जो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं। ये तो ये सारा मस्कुलर फोर्स की ही वजह से हो पा रहा है। और हमें, अब जब ये जानवर हैं बेचारे, ये हमारे लिए इतना ज्यादा वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना ज्यादा मेहनत करते हैं ना, तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। इन पर बहुत ही ज्यादा बोझा नहीं ढोना चाहिए। आजकल देखिए गाड़ियां आ गई हैं, तो उन व्हीकल्स का भी यूज कर सकते हैं, और इनका अगर हम यूज कर भी रहे हैं तो इन्हें प्रॉपर बीच बीच में रेस्ट भी देना चाहिए, उनको खिलाना पिलाना इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी जान है, उन्हें भी पेन होता है। अब जैसे आप हो, ठीक है, आपको सर पे बहुत सारा बोझा काफी टाइम के लिए होल्ड करने को बोल दिया जाए, या कई किलोमीटर्स तक बिना रुके आपको चलने के लिए या रन करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप थक जाते हो ना, है ना, आप थक करके रुक जाते हो। ऐसे ही ये एनिमल्स भी हैं, ये भी थक जाते हैं, तो इन्हें भी बीच बीच में रेस्ट देना चाहिए, इन्हें भी एनर्जी मिल सके, इसलिए प्रॉपर फूड और वाटर देना चाहिए। अब दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिटेल में तो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, अभी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ थोड़ा सा। अब जैसे किसी बॉल को हम ग्राउंड पर या टेबल पर ऐसे पुश कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मूव करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उस बॉल की स्पीड स्लो हो जाती है ना, और फिर वो रुक जाती है। तो ऐसे ही जब हम साइकिलिंग करते हैं, उसमें पेडलिंग करना अगर हम बंद कर दें, तो थोड़ी देर बाद साइकिल स्लो हो जाएगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। कार और बाइक में भी यही होता है, अगर हम इंजन को स्विच ऑफ कर दें तो वो रेस्ट में आ जाती है। ऐसे ही बोट में भी होता है, चप्पू अगर चलाना बंद कर दें तो वो थोड़ी देर बाद में स्टॉप हो जाती है। तो इन सारी चीजों में आपको कोई अलग से फोर्स लगता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर आप सोचिए वो स्टॉप कैसे हुए, है ना, उनकी पहले स्पीड घट रही है, और मोशन, स्पीड घट रही है यानी कि वो मोशन का अपोज कर रहा है, जो भी ये दूसरा फोर्स लग रहा है जो उनको रोक रहा है, तो ये मोशन का अपोज कर रहा है ना, इसीलिए तो उनकी स्पीड घट रही है और वो रुक जा रहे हैं, यानी कि ये जो भी फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये जो है यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो सरफेस, जो दो सतहें होती हैं उनके बीच में लगता है, ठीक है। अब जैसे बॉल को हमने बोला था ना, पुश किया और ग्राउंड पे ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद वो स्लो होकर के रुक जाती है, तो वो जो वो ग्राउंड की सरफेस है और वो जो वो बॉल है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। जो कार के टायर्स है और जो ग्राउंड की सरफेस है उसके बीच भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसी वजह से वो कुछ देर बाद रुक जाती है। अब देखिए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और मूवमेंट का अपोज करता है, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरा हैंड है, ठीक है, इस पे ये मूव कर रहा है, इस मार्कर की सरफेस और मेरे हैंड की सरफेस, इन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है, वही होता है फ्रिक्शन फोर्स। उसी वजह से जो बॉल होती है वो रुक जाती है,
और बाकी ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से इजी वे में मैं समझाऊंगी। अभी आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स दैट रेजिस्ट द स्लाइडिंग और रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। ये देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स है, आपको दो तीन चीजें इसमें समझनी है। फ्रिक्शन जो है ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी दो सरफेस जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होती हैं, सिर्फ तभी ही ये फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट द स्लाइडिंग और रोलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। जो बॉल है वो टेबल पे ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की वजह से उस बॉल की स्पीड स्लो हो गई और धीरे धीरे बॉल अपने आप से रुक गई। यानी कि ये जो मोशन है ये मोशन का अपोज करता है फोर्स, ठीक है, तो ये अपोजिंग फोर्स है। इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं उन पे हमेशा ये फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है, ठीक है, और ये हमेशा ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा मोशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। अगर कार, जैसे कि ये सरफेस है और ये है कार, ठीक है, और ये है कार के व्हील्स, अब ये कार मूव कर रही है, ठीक है, ये अगर इधर की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इधर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। कार का मोशन इधर की तरफ हो रहा है, कार इधर की तरफ मूव कर रही है, इस साइड में कार इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये जो ये फ्रिक्शन है ये इसके मोशन को हमेशा अपोज करेगा, ठीक, ये अपोजिंग फोर्स। और ये हमेशा जब दो चीजें कॉन्टेक्ट में होती है तभी लगता है, इसीलिए कॉन्टेक्ट फोर्स है। अब हम देख लेते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हमें पता है कि वो तब लगता है कि जब दो ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट और कोई पर्सन आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है, तब जो फोर्स लगता है वही होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो हमने देखा था ये तीन टाइप का होता है। पहले हम मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको दो बार मैग्नेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये जो ये ब्लू वाला है ये एक पोल है, इसको आप ब्लू वाले को मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और रेड वाले को आप मान लीजिए कि ये साउथ पोल है, ठीक है, इन बार मैग्नेट का। अब देखिए इस तरीके से आपको अरेंज करना है, ठीक है, ये तीन पेंसिल्स रखी, उसके ऊपर एक ये बार मैग्नेट रखा हुआ है। अब इधर साइड में देखिए, ये रेड कलर का है, मीन्स इधर साइड में एक, इधर साइड में साउथ पोल है, ठीक है, अब दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके पास लेकर आएंगे, ठीक है, इसे टच नहीं कराना है, दूर ही रखना है, पास लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से ये पेंसिल्स आगे की तरफ मूव करेंगी, ठीक, और ये मैग्नेट जाकर के इस वाले मैग्नेट से अटैच हो जाएगा। फिर अब दोबारा आपको क्या करना है कि वही उसी तरीके से पेंसिल्स को अरेंज करना है और उसके ऊपर बार मैग्नेट रखना है। अब सेम पुल, देखिए दोनों बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम जब पास पास में लाएंगे तब क्या होगा, जब सेम पोल एक पास आ रहे हैं तो ये बार मैग्नेट को रिपेल करेगा, ठीक है, इसको धक्का देगा, पुश करेगा, दूर भगाएगा, तो ये जो ये पेंसिल्स हैं ये उस साइड की तरफ, पीछे की तरफ मूव करेंगी, ठीक है, इस बार मैग्नेट के साथ ही साथ। उस वाली एक्टिविटी से हमने समझा कि मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा था या फिर रिपेल कर रहा था, है ना, यानी कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा था उन दोनों के बीच में, वो एक दूसरे से टच नहीं थे, दूर दूर थे, तब भी उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है, वही जो फोर्स होता है वो होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, वो दो मैग्नेट्स के बीच में लगता है या फिर एक मैग्नेट और दूसरी कोई आयरन वाली चीज हो उसके बीच में लगता है, ठीक है, आयरन से भी, अगर आयरन के पास हम मैग्नेट लेकर के जाते हैं, आयरन से बनी हुई कोई भी चीज, तो वो मैग्नेट जाकर के उससे अटैच हो जाता है ना, वो अट्रैक्ट कर लेता है उस आयरन वाली चीज को अपनी तरफ, ठीक। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट। हमने देखा था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं थे तब भी वो फोर्स कोई ना कोई एक्सर्ट कर रहे थे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्योंकि ये कॉन्टेक्ट में नहीं थे इसीलिए ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स को हम पास में लेकर आ रहे थे
तो वो रिपेल कर रहे थे, ठीक है, वो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, और अगर डिफरेंट पोल्स को पास में लेकर आ रहे थे दो मैग्नेट के, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, है ना, एक दूसरे को खींच रहे थे अपनी तरफ। तो देखिए वही चीज मैंने दर्शाई है, ये दो बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब देखिए दो अपोजिट पोल्स वाले मैग्नेट को जब हम एक पास लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को पुल करेंगे। और इस वाले में देखिए ये दोनों सेम पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जब हम पास में लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, पुश करेंगे। अब अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल की जगह अगर हम दोनों मैग्नेट के साउथ पोल को भी एक पास लेकर आएंगे तब भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इन दो मैग्नेट्स के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसे ही मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा था नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा आपकी बुक में ये एक एक्टिविटी दी है, जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होती है उसे ही टू पीसेस में कट कर लिया है, ठीक है, एक पीस को ऐसे सस्पेंड कर दिया है, टेबल से ऐसे लटका दिया है, ठीक है, और जो दूसरा वाला पीस है उसको किसी भी पेपर के पीस से आप रब करिए, ये जो ये दूसरी वाली स्ट्रॉ है इसे आप किसी भी पेपर से ऐसे रब करिए, और उसके बाद इस वाली ये जो ये सस्पेंडेड स्ट्रॉ है इसके पास लेकर आइए, तो आप देखेंगे ये जो ये आपने जो रब की हुई थी ये उसी एंड को पास लेकर के आना है जिस एंड को आपने रब किया था, ठीक है, पेपर से। तो जिस एंड को आपने रब किया था स्ट्रॉ का वो वाला एंड ये जो ये सस्पेंडेड स्ट्रॉ है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है इस पे, और ये जो ये सस्पेंडेड स्ट्रॉ है ये इस वाली स्ट्रॉ की तरफ खिंची चली आएगी, ठीक है, ये वाली स्ट्रॉ पुल कर रही है इस दूसरे स्ट्रॉ को। अब देखिए दोबारा में आपको क्या करना है, ये जो ये सस्पेंडेड स्ट्रॉ है इसे भी पेपर से रब करना है, और ये जो ये आपके हैंड में है इसे भी आपको पेपर से रब करना है। आप जब दोनों स्ट्रॉ को आप रब करेंगे फिर दोनों स्ट्रॉ को पास लेकर के आइए, तो आपको ये फील होगा कि ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, जैसे मैग्नेट कर रहा था वैसे ही ये दोनों भी रिपेल कर रही हैं, पुश कर रही हैं, अलग अलग दूर फेंक रही हैं, ठीक है। बेटा हमने देखा कि वो वाली स्ट्रॉ कोई ना कोई जिस भी स्ट्रॉ को हम रब कर दे रहे थे तो वो वाली स्ट्रॉ कोई ना कोई फोर्स लगा रही थी, है ना, इसीलिए तो वो अट्रैक्ट कर रही थी पहले, और जब हमने दोनों स्ट्रॉ को रब किया था तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, देखिए जब हम उसे रब करते हैं किसी भी सिंथेटिक फैब्रिक से आप रब करिए या किसी भी पेपर से ऐसे रब करिए तो वो चार्ज हो जाती है, ठीक है, वो जो भी ऑब्जेक्ट आपने रब किया है वो चार्ज हो जा रहा था, और वो जब चार्ज हो जाता है तो वो दूसरी चार्ज या अनचार्ज्ड बॉडी पर फोर्स लगाता है, फोर्स एग्जर्ट करता है। एक और आपने एक्टिविटी की होगी कि जो आपके पास प्लास्टिक स्केल होती है उसको आप अपने हेयर से रब करिए, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे हेयर से आप रब करेंगे, उसके बाद में पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े ले लीजिए, ठीक है, उन्हें टेबल पे रखिए। अब आप जब स्केल को अपने हेयर से रब करेंगे और उसके बाद उन पीसेस से थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही ले जाएंगे, जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे पेपर के पीस पड़े हुए हैं, और आप ये वाली ये स्केल आप ऐसे लेकर के जाएंगे, ये वाला एंड आपने स्केल का ये वाला एंड आपने रब किया हुआ है अपने हेयर से, तो ये स्केल आपको ये स्केल इन पेपर के पीसेस को अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है, और ये पेपर के पीस जाकर के इस स्केल से अटैच हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये स्केल को जब हमने रब किया है तो वो चार्ज हो जा रही है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, जैसे कि ये स्केल थी इसको हमने चार्ज किया था, तो ये जो ये चार्ज्ड बॉडी है ये जो दूसरी चार्ज या अनचार्ज्ड बॉडी है उस पर जो भी फोर्स लगा रही है बस वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने रब किया हुआ है वो चार्ज्ड बॉडी है, और दूसरी चार्ज्ड भी हो सकती है या फिर अनचार्ज्ड भी हो सकती है, उस पे जो चार्ज्ड बॉडी फोर्स लगा रही है वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। अब ये वाला फोर्स में भी इसमें देखिए डिस्टेंस है ना, जो स्ट्रॉ वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें स्ट्रॉ को हम पास पास नहीं ले गए थे, दूर दूर थी तब भी वो फोर्स एग्जर्ट कर रही थी, है ना,
यानी कांटेक्ट में ना होने के बावजूद भी फोर्स एग्जर्ट कर रही थी, इसीलिए ही ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब बेटा देखिए थर्ड टाइप का नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। जब भी हम क्रिकेट प्ले करते हैं तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कौन सी टीम बैटिंग करेगी और कौन सी टीम बॉलिंग करेगी। वहां पे कॉइन को टॉस किया जाता है ना, तो जब भी कोई भी कॉइन टॉस किया जाता है तो वो हमेशा नीचे ही जमीन पे ही क्यों आता है। अगर आप कोई भी बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या कोई भी पेन टेबल से अपने आप से गिर जाता है तो वो हमेशा ग्राउंड की ही तरफ आकर गिरता है। लीव्स गिरती हैं या फ्रूट्स फॉल होते हैं तो वो भी हमेशा ग्राउंड की ही तरफ आते हैं। जैसे आपने कोई हाथ में कॉइन पकड़ा हुआ है, ठीक है, कॉइन अगर आपके हाथ में है तो वो उसकी स्पीड कितनी है, जीरो, वो रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है, और जैसे ही वो कॉइन आपके हैंड से स्लिप होगा और वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है ना, है ना। अब उसने कोई एक स्पीड गेन कर ली है और वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ग्राउंड की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगना जरूरी है, ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है। बेटा जो हमारी अर्थ है वो अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, तो यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के द्वारा जो ये लगाया जाता है फोर्स, जो न्यूटन ने देखा था एक एप्पल ट्री से फॉल हुआ था वो जमीन की ही तरफ क्यों आया था, है ना, तो उन्होंने इस पर रिसर्च की थी तब पता चला था कि वो ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ है वो अपनी तरफ खींचती है ऑब्जेक्ट्स को, तो उसी वजह से ऐसा होता है, अर्थ हमारी जो फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो देखते हैं डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। हमने क्या बताया कि कोई भी चीज अगर गिरती है या आप ऊपर भी थ्रो करो तो वो अल्टीमेटली क्या होता है, नीचे की ही तरफ आती है, ग्राउंड की तरफ, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी फोर्स को ही ग्रेविटी या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स था यो या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसमें अट्रैक्शन भी हो रहा था और रिपल्जन भी हो रहा था, है ना, वो रिपेल भी कर रहे थे और अट्रैक्ट भी कर रहे थे अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट ही करता है, ठीक है, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे एक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं तो धरती पे ही ना, हम सारे लोग धरती पे ही तो हैं, तो जो अर्थ है वो हर वक्त हमारे ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है, ऑल ऑफ अस, हम सब पे भी एक्ट करता है ऑल द टाइम, और हर वक्त ये फोर्स एक्ट कर रहा होता है हमारी जानकारी के बिना, ठीक है, हम जान भी नहीं पाते और तब भी ये फोर्स एक्ट कर रहा है हम पे। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, अब देखिए ये जो ये हमने अट्रैक्टिव फोर्स पढ़ा तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ये जो अर्थ जो पुल कर रहा था हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसे हमने पढ़ा ये ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी वो छोटे से छोटे क्यों ना हो या कितने भी लार्ज हो, वो सारे ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर ये जो यही ये अट्रैक्शन वाला फोर्स है ये एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ये फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। अब देखिए जब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगा रहा है तो फिर वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जा रहा है, वो मूव क्यों नहीं करने लग जा रहा है अपने आप से ही। बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड इतना कम है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि अब जैसे एक चेयर रखी हुई है, ठीक है, और पड़ोस में एक नेल पड़ी हुई है आयरन नेल, तो
तो वो चेयर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है उस आयरन नेल पर, और वो आयरन नेल भी उस चेयर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। और जो भी उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है, ठीक है। आज की क्लास में हमने फोर्स के बारे में अच्छे से समझा, ठीक है, और फोर्स कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फोर्स से कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमने समझा। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है प्रेशर वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।